हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और यहाँ भाई सुबह सुबह का टाइम है, मतलब ये आदि के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था तो मैंने आदि को तो भेज दिया है। तो अब मुझे बनाना है नाश्ता, मतलब मैं उनका मतलब पापा का और इनका मतलब सबका नाश्ता बना दूँगी। और अभी मैं तो रुक के खाऊँगी क्योंकि मुझे सुबह सुबह तो मुझे नहीं लगती है वो कितनी जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने इनके मतलब इनका और पापा के पराठे बना दिए हैं, और पापा को तो मैंने दे दिए हैं तो इनका मैं पराठा बना दूँगी फिलहाल। तो मैंने इनका भी पराठा बना दिया है और इसमें मतलब चाय भी बना ली थी। तो इनका फटाफट मतलब इनको सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपने किसी और काम में लग जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इनका नाश्ता तैयार कर दिया है और आदि को मैंने स्कूल में भेज दिया था। और मेरे गले की आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरे गले में कुछ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे नाश्ता बन चुका है और आप भी खा लीजिए। आप तो फ्रेंड्स सुबह सुबह पर मतलब गरम गरम पराठे आप भी खाइएगा फ्रेंड्स। और नाश्ते का काम होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने स्लेब की मतलब सफाई भी कर दी, अपने गैस चूल्हे की मतलब सफाई कर दी कि अब सबका नाश्ता हो चुका है और मैंने अपना बना के रख लिया है क्योंकि मैं जब खाऊंगी तब खा लूँगी पूजा वगैरह करने के बाद। तो मेरा नाश्ता यहाँ पे बन गया और मैंने अपने स्लेब को भी साफ़ कर दिया है। अब मम्मी जा रही हैं हमें छोड़कर, तो मम्मी अब कहाँ पे जा रही हैं तो फ्रेंड्स में वीडियो पर बने रहिएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मम्मी कहाँ पे जा रही हैं। तो मम्मी चल दी हैं हमें छोड़कर, किस काम से जा रही हैं वो तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और मैं मुझे पौधों में पानी डालना है कि ये जो मेरा मनी प्लांट का पौधा है तो ये कुछ सूख रहा है तो इसमें मुझे देना है पानी। और टाइम हो चुका है, 9 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं पानी दे दूंगी इन पौधों में क्योंकि ये सारे पौधे अभी सूख रहे हैं। वैसे बारिश हुई थी 2 दिन, फिर भी पता नहीं सूख गए हैं ये, तो मैं पर पानी डाल देती हूँ। तो पानी लेके आती हूँ और काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, मतलब आँखें भी निकल रही हैं, मतलब इतनी तेज़ धूप निकल रही है। और मैं मेरे गले में खराश हो रही है तो आवाज़ भी कुछ फटी फटी सी आ रही होगी आपको क्योंकि कुछ मौसम ठंडा हो चुका है तो उसकी वजह से थोड़ा गले में खराश हो गई है। और सांस चढ़ रहे हैं मेरे, तो फिर उसके बाद में पौधों में पानी वगैरह डालने के बाद मुझे लगानी है झाड़ू, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो वही 10 बज जाएंगे पूजा करने में मेरे को। तो फिलहाल तो पौधों में पानी डालते हैं, अभी पानी लेके आती हूँ क्योंकि वो सूख रहे हैं। तो लेती हूँ पानी बाल्टी में लेके आती हूँ बाहर से, तो चलते हैं। तो इन पौधों में जो ये सूखे हुए पौधे हैं तो इनमें मैं अपने मतलब पानी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि कुछ पौधे इनमें हैं जिनमें बारिश हुई थी तो उनमें थोड़ा सा गीलापन भी है, और जो अंदर की साइड जैसे टीन में रखे हुए हैं ना वो कुछ सूख गए हैं। तो इनमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें मैं मतलब सूखे हैं उनमें डाल दूँगी और जो नहीं सूख रहे हैं उनमें नहीं डालूंगी। तो फिलहाल इनमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी। जो अंदर रखा हुआ है ना एक मनी प्लांट वाला पौधा तो उसमें ज़्यादा सूखा हुआ है क्योंकि उस तक बारिश नहीं पहुँच पाती है, तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा सूखा तो ये वाला मेरा पौधा है जिसमें यहाँ तो बारिश नहीं आ पाती ना, तो ये वाला पौधा मेरे सबसे ज़्यादा सूख रहा था। तो मैंने सभी मतलब पौधों में ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है इनमें। तो पानी तो मैंने दे दिया है अपने इन पौधों में और अब मुझे झाड़ू लगानी है अपनी, तो मैं झाड़ू लगा लूंगी अपनी। अब झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर मुझे करनी है पूजा। गर्म पानी पी रही हूँ तभी इतनी गली मैं मतलब खराश हो रही है बहुत ज्यादा। और
तो अभी कुछ सामान मतलब ऐसे फैला हुआ है, क्योंकि पेंट वगैरह का काम हुआ, अभी कुछ रह रहा है ना पेंट का काम, क्योंकि वो भैया अभी उनको टाइम नहीं मिला है, तो इसलिए अभी किसी के शादी है तो उनको वहाँ पे पेंट करना है भैया को, तो अब उनको पेंट भाई उनका पहले जरूरी है, क्योंकि हमारे तो अभी शादी वगैरह नहीं है, पहले जो जहाँ पे काम है मतलब शादी का, तो उनके सबसे पहले जरूरत है भाई। हमने बोला भाई चलो कोई बात नहीं है, मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो पहले आप उनको पैंट कर दो, हमारा तो मतलब जो हमें मैन था वो हमारा हो चुका है, और जो रह गया है वो मेरी दुकान का रह रहा है, तो उसका इतना जरूरी नहीं है, आराम से हम करवा सकते हैं उसको। सांस अभी बात बात करती हूँ आपसे मैं, ये थोड़ा सा मेरा सांस चढ़ रहा है, पता नहीं तबीयत खराब है या क्या, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी पता नहीं सांस चढ़ रहे हैं, हो जाता है खैर कभी कभी, तो फिलहाल लगते हैं किसी और काम में। एक बात आपसे बताने भूल गई हूँ, मैं तो फ्रांस मम्मी गई है मेरठ, क्योंकि मम्मी को जाना था तो कुछ काम था उनका, जो उनका जाना जरूरी हो गया था, तो कुछ वाणी से मिलने गई है, क्योंकि मम्मी का भी जाना लगा रहता है, वो 3-4 दिन मम्मी रह के आ जाती है, और हमारा तो ऐसा होता है कि हम गए हो रहा है हम तो रुकते ही नहीं है, हम तो 5 मिनट ही रुकते हैं वहां पे, क्योंकि इनको जल्दी रहती है, और मेरा भी है कि भाई यहाँ पे कोई कस्टमर मेरा आ जाता है तो वापस जाना पड़ता है उसको, क्योंकि मम्मी नहीं दिखा पाती है, क्योंकि मम्मी का अपने और काम होते हैं बहुत ज्यादा, तो मम्मी नहीं दिखा पाती है कपड़े, तो इसलिए मम्मी अब गई हैं 2-3 दिन वहाँ पे रहेंगी, मतलब मेरी बेटी के पास, अब मतलब छोटी वाली मतलब उनकी अपनी बहू के पास रहेंगी वो, और उसके बाद फिर हम भी जाएंगे, हम देखते हैं फिर मम्मी आ जाएंगी तब हम जाएंगे, अभी तो नहीं, तो फिलहाल तो हम अब अपनी यहाँ की अभी सफाई में लग रहे हैं, तो एक दिन वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी हमें करनी है, क्योंकि दीपावली की सफाई तो भी सब जगह चल रही है, तो वहाँ पे भी हमें करना, क्योंकि उसको ना जो मेरी मतलब बहन है उसको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, वो बिजी रहती है, क्योंकि बिजी इसलिए है स्कूल जाएगी, स्कूल से फिर आके बच्चे ट्यूशन वाले आ जाते तो वो बिजी हो जाते, तो उसे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करें, तो थोड़ा सा जाएंगे तो उसको देखेंगे फिर लग के, मतलब दोनों तीनों हम वहाँ पे की सफाई मतलब मेरठ के वाले घर की सफाई करके आनी है दीपावली की, तो देखते हैं कि कब जाना होता है, जब मम्मी आ जाएंगी तभी जाएंगे हम, अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी तो टाइम भी नहीं है जाने का। और उसके बाद मैंने वैसे अपना पानी मतलब गर्म में नहा रही हूँ, क्योंकि जब गला ख़राब है और थोड़ी तबीयत वैसी लग रही है, तो मैंने सोचा गर्म पानी तो मेरा इतना यहाँ पे गर्म पानी हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या लगा, मैंने सोचा भाई कि चलो भाई इतना मेरा पानी होता है तो मैं ये वाला भी काम उठा ली, तो यहाँ पे मैंने अपने मतलब बाथरूम की जो टाइल्स थी तो इनको साफ़ कर, क्योंकि इन पर पेंट हुआ है, तो जब से इन पर मतलब टाइल्स का पेंट हटा नहीं था, तो मैंने ये वाली टाइल्स से मतलब इस वाली दीवार की साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने फटाफट मतलब नहा के वो वाल मतलब बाथरूम की सफाई करने के बाद मैं फिर अपना मतलब जब मेरा पानी हो गया था तो मैं यहाँ पे फटाफट मतलब नहा के, और मुझे करनी थी पूजा, तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा हल्का सा मतलब वही जैसे हम गर्म पानी में नहा रहे हैं, तो भाई उनको भी गर्म पानी में नहलाना बनता है, क्योंकि वो भी एक मतलब बच्चे ही हैं, लड्डू गोपाल तो कहने को भगवान है, लेकिन जब हमने उनको मतलब एक वैसे भगवान के रूप में ही रखा हुआ है वैसे मैंने तो इनको, पर जैसे मैं कभी हो भी जाता है भाई नहीं पूजा हो पाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि हो जाती है, और कभी होता है नहीं भी हो पाती, नहीं टाइम मिल पाता है यार,
तो मैंने इनको इसीलिए भगवान के रूप में रखा है, तो जिससे कि अगर हम बच्चे को समझ के रखते तो इसमें हमने मतलब टाइम पूरा चाहिए इनके लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको नहला दिया है और ये वाले बाल इनको जैसे इस वाली ये जो वाली कैप हो है ना इनकी तो ये छोटी सी है तो इनमें इसमें बाल नहीं आ पाते। जो दूसरी कैप है वो काफ़ी बड़ी थी तो मैंने सोचा जब पिंक ड्रेस पहनाई है तो मैं पिंक उनका मुकुट लगा देती हूँ, तो इसमें बाल नहीं आए थे तो मैंने उनको मतलब मुकुट को ऐसे ही मतलब लगा दिया है। और तो मेरे लड्डू गोपाल जी नहा चुके हैं, आप भी दर्शन कर लीजिएगा कान्हा जी के और आप भी जय बोल दीजिए। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी मतलब नहा चुके हैं तो मैं उसके बाद मतलब यहाँ पे अपना मतलब कान्हा जी को अंदर उतर करके रख के और उनका टीका वगैरह करने के बाद मैं अपनी यहाँ पे पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी का मतलब सबका टीका कर दिया है, गणेश जी को, कान्हा जी को, लक्ष्मी माता रानी को, मतलब माता रानी को, सबको मैंने यहाँ पे टीका कर दिया था। सो यहाँ पे मेरी मतलब मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है और मेरी पूजा तो हो चुकी है और टाइम ना मुझे मतलब इतना हो गया है क्योंकि पहले सॉरी क्योंकि पहले मैंने मतलब पौधों में पानी डालने के बाद झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाया, उसके बाद मेरा मतलब बाथरूम की मतलब दो साइड हो चुकी है टाइल्स की सफाई करने में 2 दिन में करी है मैंने वो, अभी भी एक साइड रह गई है क्योंकि बड़ा है तो उसमें दीवारें मतलब बड़ी है तो और भी काम होता है तो मैं एक एक दीवार करके कर रही हूँ उसमें। तो 3 दीवारें हो चुकी हैं और एक रह गई है टाइल्स की, तो मैं उसमें लगी थी सफाई करने के क्योंकि पेंट हुआ था तो मतलब अभी हुई नहीं थी उसमें, तो वो मैंने कर दी है। उसके बाद फिर मुझे तब नहाई और उसके बाद अब पूजा करी है, तो मेरी पूजा हो चुकी है और टाइम 11 बज गए हैं। क्लियर दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए तो 11 बज चुके हैं मुझे पूजा करने में। और मैंने चाय मतलब चाय पी चुकी थी मैं, अभी खाना तो खाया नहीं है, चाय पी ली है मैंने तो अब मैं अपना खाना खाऊंगी। तो चाय और खाने में आज क्या बनाया है, कढ़ी बनी है तो कढ़ी बना ली है और चावल अभी बनाए नहीं है मैंने तो चावल बनाने हैं मुझे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो ये देखिए ये कढ़ी मैंने बना ली है यहाँ पे और चावल बनाने हैं मैंने, तो चावल को मैंने भे कर रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे घंटे इनको भेजूंगी मैं। उसके बाद इनको अभी भे के रखा है मैंने, जब पूजा कर रही थी तो मैंने उससे पहले भेज दिया था उनको, तो अब इन्हें मैं बना दूंगी और दोपहर में सब चावल खा लेंगे तो खाने का सिस्टम नहीं रहेगा दोपहर का। और अब मैं कुछ खा लेती हूँ मतलब चाय के साथ कुछ ऐसा ले लूंगी हल्का फुल्का नाश्ता वो कर लूंगी, तो फिर दोपहर में वैसे चावल मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मन तो कर रहा है लेकिन गले में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, खराश हो रही है तो मैं चावल नहीं खाने वाली हूँ। मतलब दर्द हो रहा है गले में, पता नहीं क्या हो गया, तो ठंडा पानी भी नहीं पी रहे हैं फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। और मेरे ना जब सर्दी स्टार्ट होती है तो ये वाली चीजें मतलब वो हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ना तो दर्द करता है गला, तो वो उसी के उससे हो रहा है मेरे को, तो मुझे किसी से सही कराने पड़ेंगे या दवाई लेनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से मेरे पे खाना नहीं खाया जा रहा है। तो इनको मतलब इस तरीके से मतलब ऊपर को खींचना होता है, तो अब मेरे ये वाला मतलब गला सूजा हुआ है यहाँ से, इस पे स्वेलिंग आ रही है तो खाने का मन उसकी वजह से मेरा कर भी नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो का यहीं पर एंड कर दूंगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय।